हेलो फ्रेंड्स, मैं मसरत अब्बास। और इस टाइम देखिए, जो पिया कैरेंस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, थोड़ा देख के अजीब लग रहा होगा, उसमें यूट्यूब है और ये चीज़ें आपको दिखाते हैं। इसके अंदर देखिए व्हाट्सएप भी है, उसके देखिए और भी चीज़ें हैं, जैसे एसएमएस का भी दिया हुआ है इसमें। ये सब कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत इजी है, लेकिन आईफोन को सपोर्ट नहीं करता ये। उसके लिए आपके पास एंड्रॉयड होना चाहिए। एंड्रॉयड देखिए यूएसबी केबल से कनेक्ट है, ठीक है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो सॉफ्टवेयर की ही हेल्प से हुआ है, ठीक है। देखिए वो सॉफ्टवेयर कौन सा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आप नॉर्मली गूगल सर्च इंजन पर जाइए और वहाँ पर टाइप करिए। फ़ोन मेरा नहीं, थोड़ा सा मुझे लोगों में दिक्कत हो। देखिए जैसे ये फ़ोन है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल में AAAD ये फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। देखिए वो फाइल जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देखिए वो इस तरह से है, देखिए ये AAAD। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपको, ये आपको गूगल प्ले पे नहीं मिलेगा, ये आपको वेबसाइट पे ही जाके सर्च करना होगा। उसके बाद इसको ओपन करिएगा तो इसमें कार स्ट्रीम और फर्माटा ऑटो दे रहा है। तो इन दोनों में कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए। खैर मैंने दोनों इंस्टॉल कर लिए, चल रहा है दोनों। तो उसमें जब आप क्लिक करेंगे डाउनलोड के लिए तो रिमेनिंग आएगा। रिमेनिंग में आप ओके करके पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको सब परमिशन वगैरह दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये फर्माटा ऑटो जो खुल के आ गया, ये उसके बाद कुछ नहीं, इसको आप सिंपल कनेक्ट करिए स्क्रीन के साथ USB से, और वाईफाई के थ्रू जो आप एंड्रॉयड ऑटो का कनेक्शन बनाते हैं आप वो बना लीजिए। उसके बनाने के बाद जो है ये आपके सामने इस तरह की स्क्रीन देखिए। ये जिस फ़ोन से मैंने कनेक्ट किया है देखिए, ये जिस फ़ोन से, उसमें इंटरनेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखा देता इसको। देखिए ये इसमें एक चीज़ ये भी हो गया है कि जो मोबाइल में वीडियोस पड़ी हुई हैं वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये सारे ऐप आ गए इसमें। मेन यूट्यूब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं बच्चे साथ में, तो उस टाइम पर ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी देखिए फर्माटा इसमें भी आ गया है, पॉडकास्ट है, और ये कुछ ऐप इसमें पहले से रहती हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। इसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट लोग ढूंढा कर चाहते हैं हो जाए, वो देखिए वो यूट्यूब है। अब इस मोबाइल में नेट नहीं है, इसलिए मैं आपको चलिए चलिए मैं सिम पे चला के थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने ऑन कर दिया सिम डेटा, यूट्यूब खोलते हैं। यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आप कुछ सर्च कर लीजिए। ऐसा सर्च करते हैं ना जिसपे कॉपीराइट का ना हो, नहीं तो जहाँ आपने कुछ सर्च किया मालूम हुआ आप पे आगे दिखने लगा। देखिए ये यूट्यूब खुल गया, ठीक है। अभी आप इसमें जो कुछ चाहें तो कर सकते हैं, देखिए ठीक है। काफ़ी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, यूट्यूब चल जाता तो अच्छा होता। तो देख लीजिए नेट सिम से चल रहा है, बहुत स्लो है, पर ये यूट्यूब देखिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। बाकी कुछ और नया हुआ तो इसमें आप जो भी आपके स्मार्टफोन में वीडियोस हैं, फोटो हैं, वो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं इसमें। बाकी देखिए कोई वीडियो प्ले हुई है, यूट्यूब का चैनल मैं इसको बंद कर देता हूँ। सिम डेटा पे चल रहा है ये, देखिए कुछ खुल गया। तो ठीक है, पहले आप AAAD.APK ये फाइल को डाउनलोड कर लीजिए जाके, जो लेटेस्ट वर्जन हो,
और उसको इंस्टॉल करने के बाद जब सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा तो उसमें परमाडो या कार स्ट्रीम करके होगा, आप उन दोनों में कोई एक इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद फ़ोन को जो है ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर लीजिए अपने सिस्टम के साथ और वाईफाई से भी एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जब आप खोलेंगे, आप सामने अपनी स्क्रीन ओपन करेंगे तो एंड्रॉयड ऑटो पे जाके तो आपको यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह मिल जाएगा। तो ठीक है, मतलब की चीज़ तो मिल गई, व्हाट्सएप अरे सॉरी यूट्यूब, जो कि काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि यूट्यूब होना चाहिए। थोड़ा सा सेफ्टी फीचर से दिया नहीं जाता कि लोग गाड़ी चलाते हैं पर चला रहे हैं लोग, इसको जैसा ठीक लग रहा है तो ये एक ऑप्शन है, आप इस तरह से इसको चला सकते हैं। और आप अगर करने में कोई दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन ध्यान ये रखिएगा आपका जो भी फ़ोन हो वो एंड्रॉयड लेटेस्ट हो। लेटेस्ट का मतलब ये हुआ कि उसका हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो सपोर्ट कर सके। अगर हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और आपका एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो सपोर्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। आपका फ़ोन अगर इधर ही साल 6 महीने का पुराना है और कम से कम मान के चलिए 15-18 हज़ार रुपये की वैल्यू के ऊपर का है तब तो ये सपोर्ट करेगा। अगर ये 10 हज़ार वाला है 12 हज़ार तो शायद ना करे, क्योंकि मैंने इसको ट्राई करने के लिए मैंने 2-3 फ़ोन रखे। एक तो जैसे ओप्पो F7 जो कि बहुत अच्छा मोबाइल लेकिन पुराना है, अब उसके हार्डवेयर हो सकता है सही हो लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर एक वीवो का है, वीवो 18-20, मतलब वो भी ऐसे ही 9-10 हज़ार का था, उस पर भी नहीं चला। ये सैमसंग गलेक्सी M31 है, ये इस पर ईजिली स्मूथली रन कर गया। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा आपका फ़ोन जो है उस लेवल का हो जो इसको सपोर्ट करे, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे ये देखिए मेरे पास ये आईफोन है आजकल, तो आईफोन पे नहीं चला तो इसलिए मुझको ये एंड्रॉयड फ़ोन लेके इस पर देखिए USB के थ्रू कनेक्ट है, प्लस वाईफाई से के थ्रू भी देखिए कनेक्ट है, देखिए वाईफाई ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है, वाईफाई से नहीं है, ठीक है। तो अब जब इसको हटाएंगे तो सारी चीज़ें आएंगी जो सेटिंग वगैरह होती है, तो एक बार हटा कर ये आपको दिखा देते हैं। देखिए उसको हटा दिया, देखिए इसमें देखिए आपका इंटरनल स्टोरेज प्लेक्स, देखिए ये जो आपके वीडियोस वगैरह इसमें पड़े हुए देखिए सब कुछ दिखा रहा है, ये ऐड करंट साइट, मतलब देखिए ये आपका यूट्यूब है। उसके बाद इससे बाहर निकलते हैं, देखिए ये गूगल सर्च भी है, आप इस पर गूगल पे अपना सर्च वगैरह कर सकते हैं, जीमेल भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मोबाइल को अलग करने के बाद ये वायरलेसली कनेक्ट है, ठीक है, तो इसमें अब चलेगा नहीं बिना केबल के, लेकिन नॉर्मल चीज़ें सर जैसे होती हैं, देखिए अभी एक नॉर्मल फ़ोन की जैसे एक एंड्रॉयड ऑटो होता है, देखिए अब इसमें यूट्यूब वगैरह नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा रीजन आपको पता है, इसका पूरा बैटरी खत्म हो गया। तो अभी भी करेक्ट है, मतलब फोन अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, ये देखिए नेट मिल जाए तो शायद खुल भी जाएगी, मतलब दोनों ऑप्शन है, आप केबल से भी देख लीजिएगा, हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होता तो वाईफाई से तो कनेक्ट है ही है। मतलब मैंने कई बार देखा केबल से हो रहा था लेकिन शायद कनेक्शन बनने के बाद देख लीजिए आराम से चल रहा है, देखिए इंटरनल स्टोरेज में, देखिए इंटरनल स्टोरेज देखिए पूरा शो कर रहा है, ये पूरी फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज आपका फ़ोन रिंग देखिए सब कुछ इसमें शो कर रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल है सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम बाकी कनेक्ट कीजिए और फिर चीज़ें देखते रहिए, जितना इसको चलाएंगे उतना आप सीखेंगे, मैंने सिर्फ एक आपको रास्ता बताया, बाकी फिर आप जितना इसको चलाएंगे, ठीक है, ओके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ओके बाय।